नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमन ईरानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच पॉइंट आठ करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर है रोहन विक्रम मोटरच और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज़ की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौंसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराजगी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमीन पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलेंगे तो ये तमाम किस्से आपको फिल्में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है या एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए। दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉट स्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में 300 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज़ किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्डवाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की ज़िंदगी की कहानियां बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में इकतालीस स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था फ़िल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट की के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सी विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड पर आए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है रामगोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूँगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मट्रोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमनी रानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नज़र आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पिचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच पॉइंट आठ करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर हैं रोहन विक्रम मोटरज और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराजगी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमीन पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सज़ा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलने तो ये तमाम किस्से आपको फिल्में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है यह एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए। दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहां पर एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में तीन करोड़ और वर्ल्ड वाइड में पाँच करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज़ किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की जिंदगी की कहानियां बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में इकतालीस सौ स्क्रीन पर रिलीज किया गया था फिल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सीईओ विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमन ईरानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच पॉइंट आठ करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर है रोहन विक्रम मोटरच और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज़ की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौंसठ मिनट की देखने को मिल तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराज़गी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमीन पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलेंगे तो ये तमाम किस्से आपको फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है या एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में 300 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज़ किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की ज़िंदगी की कहानियाँ बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में इकतालीस स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था फ़िल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट की के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सी विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है रामगोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मट्रोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमनी रानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच पॉइंट आठ करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर है रोहन विक्रम मोटरज और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराजगी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमी पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलने तो ये तमाम किस्से आपको फिल्में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है यह एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह, दोस्तो यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहां पर एन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में 300 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज़ किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की ज़िंदगी की कहानियाँ बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में 4100 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था फिल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट की के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सी विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड पर हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बामनी रानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नज़र आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच पॉइंट आठ करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर हैं रोहन विक्रम मोटरज और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराजगी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमीन पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलने तो ये तमाम किस्से आपको फिल्में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है यह एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए। दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहां पर एन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में 300 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की जिंदगी की कहानियां बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में 4100 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था फिल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सीईओ विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमन ईरानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पिचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच पॉइंट आठ करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर है रोहन विक्रम मोटरच और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज़ की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौंसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराज़गी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमी पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलेंगे तो ये तमाम किस्से आपको फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है या एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में 300 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में पाँच करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज़ किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की ज़िंदगी की कहानियां बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में इकतालीस स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था फ़िल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट की के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सीईओ विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मट्रोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बोमनी रानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच पॉइंट आठ करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को उनतीस जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर हैं रोहन विक्रम विक्रमोज और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराजगी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमी पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलने तो ये तमाम किस्से आपको फिल्में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है यह एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहां पर एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में तीन करोड़ और वर्ल्ड वाइड में पाँच करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज़ किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की जिंदगी की कहानियां बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में 4100 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था फिल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सीईओ विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमन ईरानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नज़र आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच पॉइंट आठ करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर है रोहन विक्रम मोटरच और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज़ की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौंसठ मिनट की देखने को मिल तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराजगी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमीन पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलेंगे तो ये तमाम किस्से आपको फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है या एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए। दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में 300 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज़ किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की ज़िंदगी की कहानियाँ बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में 4100 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था फ़िल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट की के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सीईओ विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहां इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पीएनआर पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है रामगोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बामनी रानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच पॉइंट आठ करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर हैं रोहन विक्रम मोटरज और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराजगी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमीन पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलने तो ये तमाम किस्से आपको फिल्में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है यह एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए। दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहां पर एन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में 300 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की जिंदगी की कहानियां बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में 4100 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था फिल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सीईओ विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमन ईरानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पिचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच पॉइंट आठ करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर है रोहन विक्रम मोटरच और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज़ की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौंसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराज़गी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमी पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलेंगे तो ये तमाम किस्से आपको फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है या एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉट स्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में 300 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में पाँच करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज़ किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की ज़िंदगी की कहानियां बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में इकतालीस स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था फ़िल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट की के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सीईओ विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है रामगोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मट्रोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमनी रानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर हैं रोहन विक्रम मोटरज और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराजगी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमी पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलने तो ये तमाम किस्से आपको फिल्में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है यह एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहां पर एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में तीन करोड़ और वर्ल्ड वाइड में पाँच करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज़ किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की जिंदगी की कहानियां बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में इकतालीस स्क्रीन पर रिलीज किया गया था फिल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सीईओ विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमन ईरानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नज़र आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच पॉइंट आठ करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर है रोहन विक्रम मोटरच और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज़ की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौंसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराजगी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमीन पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलेंगे तो ये तमाम किस्से आपको फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है या एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए। दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में 300 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज़ किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की ज़िंदगी की कहानियाँ बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में 4100 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था फ़िल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट की के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सीईओ विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहां इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पीएनआर पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है रामगोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बामनी रानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नज़र आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच पॉइंट आठ करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर हैं रोहन विक्रम मोटरज और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराजगी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमीन पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलने तो ये तमाम किस्से आपको फिल्में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है यह एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए। दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहां पर एन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में 300 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की जिंदगी की कहानियां बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में 4100 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था फिल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सीईओ विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमन ईरानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पिचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच पॉइंट आठ करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर है रोहन विक्रम मोटरच और दोस्तों बात करे, इस और करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज़ की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौंसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराज़गी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमी पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलेंगे तो ये तमाम किस्से आपको फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है या एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में तीन सौ करोड़ और वर्ल्ड वाइड में पाँच सौ करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज़ किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्डवाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की ज़िंदगी की कहानियाँ बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में इकतालीस सौ स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था फ़िल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट की के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सीईओ विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह है कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमनी रानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पिचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर है रोहन विक्रम मोटरज और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराजगी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमीन पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलने तो ये तमाम किस्से आपको फिल्में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है या एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में तीन सौ करोड़ और वर्ल्ड वाइड में पाँच सौ करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की जिंदगी की कहानियां बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में 4100 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था फिल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट की के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सी विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमनी रानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पिचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर है रोहन विक्रम मोटरच और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज़ की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराजगी माँ का खोना, स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमी पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलने तो ये तमाम किस्से आपको फिल्में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है या एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहां पर एन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में तीन सौ करोड़ और वर्ल्ड वाइड में पाँच सौ करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज़ किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की ज़िंदगी की कहानियाँ बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में इकतालीस स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था फिल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट की के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सी विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूँगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमनी ईरानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पिचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच पॉइंट आठ करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर है रोहन विक्रम मोटरच और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज़ की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौंसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराजगी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमी पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलेंगे तो ये तमाम किस्से आपको फिल्में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है या एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए। दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉट स्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में 300 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज़ किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्डवाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की ज़िंदगी की कहानियां बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में इकतालीस स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था फ़िल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट की के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सी विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमनी रानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच पॉइंट आठ करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर है रोहन विक्रम मोटरच और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौंसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराज़गी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमी पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलेंगे, तो ये तमाम किस्से आपको फिल्में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है या एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉट स्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में तीन करोड़ और वर्ल्ड वाइड में पाँच करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की जिंदगी की कहानियां बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में इकतालीस सौ स्क्रीन पर रिलीज किया गया था फिल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट की के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सीईओ विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमन ईरानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर है रोहन विक्रम मोटरच और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज़ की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराजगी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमी पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलने तो ये तमाम किस्से आपको फिल्में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है या एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहां पर एन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में तीन सौ करोड़ और वर्ल्ड वाइड में पाँच सौ करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज़ किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की जिंदगी की कहानियां बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में इकतालीस सौ स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था फिल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट की के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सी विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मट्रोज़ ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमन ईरानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पिचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच पॉइंट आठ करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर है रोहन विक्रम मोटरच और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौंसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराज़गी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमीन पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलने तो ये तमाम किस्से आपको फिल्में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है यह एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में तीन सौ करोड़ और वर्ल्ड वाइड में पाँच सौ करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की जिंदगी की कहानियां बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में 4100 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था फिल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट की के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सीईओ विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमनी रानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पिचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर है रोहन विक्रम मोटरच और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज़ की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौंसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराजगी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमी पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलने तो ये तमाम किस्से आपको फिल्में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है या एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाएगी दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहां पर एंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में तीन सौ करोड़ और वर्ल्ड वाइड में पाँच सौ करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज़ किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की जिंदगी की कहानियां बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में 4100 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था फिल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सी विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमन ईरानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पिचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच पॉइंट आठ करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर है रोहन विक्रम मोटरच और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज़ की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौंसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराज़गी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमीन पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलेंगे तो ये तमाम किस्से आपको फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है या एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में तीन सौ करोड़ और वर्ल्ड वाइड में पाँच सौ करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज़ किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्डवाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की ज़िंदगी की कहानियाँ बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में इकतालीस सौ स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था फ़िल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट की के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सीईओ विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहां इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पीएनआर पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह है कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमनी रानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पिचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर हैं रोहन विक्रम मोटरज और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौंसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराज़गी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमीन पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलने तो ये तमाम किस्से आपको फिल्में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है यह एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में तीन सौ करोड़ और वर्ल्ड वाइड में पाँच सौ करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की जिंदगी की कहानियां बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में इकतालीस सौ स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था फिल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट की के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सी विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमनी रानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पिचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर है रोहन विक्रम मोटरच और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज़ की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराजगी माँ का खोना, स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमी पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलने तो ये तमाम किस्से आपको फिल्में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है या एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहां पर एन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में तीन सौ करोड़ और वर्ल्ड वाइड में पाँच सौ करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज़ किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की ज़िंदगी की कहानियाँ बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में इकतालीस स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था फिल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट की के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सी विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज़ किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमनी रानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पिचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच पॉइंट आठ करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर है रोहन विक्रम मोटरच और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौंसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराजगी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमीन पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलेंगे तो ये तमाम किस्से आपको फिल्में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है या एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए। दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉट स्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में 300 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 500 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज़ किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्डवाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की ज़िंदगी की कहानियां बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में इकतालीस स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था फ़िल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट की के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सी विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बॉमनी रानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच पॉइंट आठ करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर है रोहन विक्रम मोटरच और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौंसठ मिनट की देखने को मिली तो, तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराजगी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमी पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलेंगे? तो ये तमाम किस्से आपको फिल्में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है या एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉट स्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में तीन करोड़ और वर्ल्ड वाइड में पाँच करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की जिंदगी की कहानियाँ बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में इकतालीस सौ स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था फिल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट की के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सीईओ विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पॉन्स अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की जिंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फिलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो जरूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है जानेंगे सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार ईरानी ने संगीत दिया है रोहन विक्रम मटरोज ने बात करें दोस्तों इस मूवी के मुख्य कलाकारों के बारे में तो इस मूवी में मुख्य कलाकार रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा सोनम कपूर परेश रावल मनीषा कोराला दिया मिर्जा विक्की कौशल जिम सरबन बोमन ईरानी आदि मुख्य कलाकार निभाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट पचानवे करोड़ रुपए है लेकिन इस मूवी ने ऑल इंडिया में पाँच करोड़ का कारोबार किया है दोस्तों यह मूवी दोस्तों इस मूवी को 29 जून 2018 को इंडियन सिनेमा में रिलीज़ किया गया था दोस्तों बात करें इस मूवी के गीतकार और लिरिक्स राइटर के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में गीत दिया है ए आर रहमान और लिरिक्स राइटर है रोहन विक्रम मोटरच और दोस्तों बात करें इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तों इस मूवी को टी सीरीज़ की तरफ से प्रोड्यूस किया गया है बात करें दोस्तों इस मूवी के टाइमिंग के बारे में तो यह मूवी दो घंटा चौसठ मिनट की देखने को मिली तो दोस्तों बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तो यह मूवी संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजय दत्त ने राजकुमार ईरानी के साथ तीन फिल्मों में काम किया है इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने अपने जीवन से जुड़ी कई किस्से ईरानी को सुनाया करते थे एक दिन ईरानी को आइडिया आया क्यों ना इन किस्सों पर फिल्म बनाई जाए क्योंकि कहीं ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते संजय दत्त के ड्रग्स के किस्से पिता से नाराजगी माँ का खोना स्टार बनना ऊंचाइयों को छूना आसमान से जमी पर गिरना अपनों को खोना आतंकवादी होने के आरोप में मुकदमा चलना जेल जाना सजा काटना कम करना कहीं शादी करना तो ये तमाम किस्से फिल्में देखने को मिलने तो ये तमाम किस्से आपको फिल्में देखने को मिलने वाले हैं साथ ही कई मज़ेदार और दिल को तोड़ने वाले प्रसंग भी इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि आप पूछेंगे वाकई ऐसा होता है या एक अविश्वसनीय कहानी है जो कि संजू में बयां की जाए दोस्तों यह एक सैड और संजय दत्त की बायोपिक पर बनी फिल्म है उनके जीवनी को इसमें आधार रूप पर बनाया गया है तो दोस्तों यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है आप इसे कहां पर एन्जॉय कर सकते हैं तो दोस्तों बात करें इस मूवी के बारे में तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है दोस्तों यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही है इस मूवी का कलेक्शन ब्लॉकबस्टर हिट रहा है दोस्तों इस मूवी ने भारत में तीन सौ करोड़ और वर्ल्ड वाइड में पाँच सौ करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है इस मूवी को अन्य कई देशों में रिलीज़ किया गया है और दोस्तों इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया है संजय दत्त की ज़िंदगी की कहानियां बयां करती है कि इस फिल्म ने भारत में इकतालीस सौ स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था फिल्म में रणवीर कपूर लीड रोल में है उन्होंने संजय दत्त की भूमिका निभाई है फॉक्स स्टार स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म का प्रोडक्शन विनोद चोपड़ा के हाथ में था एक रिपोर्ट की के मुताबिक फॉक्स स्टार स्टूडियो के सी विजय सिंह ने कहा था चीन के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा संपर्क किया है उन्होंने यह फिल्म देखी है और वहाँ इसे रिलीज किया गया है तो दोस्तों गौरव तले राजकुमार ईरानी के निर्देशक फिल्म संजू बॉक्स ऑफिसर कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं दर्शकों को क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस अच्छा मिला है लेकिन एक वर्ग में ऐसा भी था कि संजू मूवी को पी पर कैबिन बताया गया था ईरानी की मूवी के जरिए संजय दत्त की छवि सुधारने की कोशिश है राम गोपाल वर्मा ने संजू की ज़िंदगी का असली कहानी स्क्रीन पर दिखाई गई है फिल्म को फ़िलहाल आपको देखना होगा यह कैसा प्रदर्शन करती है तो दोस्तों मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर देखिएगा मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद